नमस्कार प्यारे दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको द हिंदू का एडिटोरियल लेकर आया हूं। और सिंपल सी बात है कि जो हम लोग एडिटोरियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी सबका फोकस करते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें, और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास चलता रहे जाता रहे, जो भी आप सुविधाएं यहां से प्रोवाइड की जाएं वो आपके साथ पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप दो लाइन चार लाइन पढ़ के इसको न छोड़ा करें। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है, अच्छे से जानना है, तो बेहतर आपके लिए ही होगा कि रेगुलर बने, और रेगुलर के साथ साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम की लिखा है, हेडिंग लिखा हुआ है, देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम समय दर समय होता है। समय दर समय अर्थात एक समय गुजरता है जो दूसरा समय आता है, उसे समय दर समय कहा जाता है। एक खास बात यहाँ पे है, ग्रामर का बहुत ही अच्छा रूल है जो नाउन के चैप्टर से बिलोंग करता है। नाउन के चैप्टर से बिलोंग ये करता है कि जब किसी प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जब सेम नाउन लिखना हो तो उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में बिना आर्टिकल का लिखा जाता है, और जब यही प्रोसेस सब्जेक्ट का कार्य करे तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ टाइम और आगे भी टाइम दोनों सेम नाउन है आफ्टर के साथ, जैसे सिटी आफ्टर सिटी होता है, पेज आफ्टर पेज होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। तो ये क्या है कि दोनों तरफ वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड सिंगुलर में बिना आर्टिकल का होगा और दोनों मिलकर सिंगुलर का कार्य करेंगे। द आरबीआई माइट हैव प्लेड आउट इट्स हैंड फॉर नाउ विद द लेटेस्ट रेपो रेट कट। रेपो रेट होता है, रिवर्स रेट होता है। इकोनॉमी अगर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। द आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सभी बैंक को नियंत्रण में रखता है, जितने भी इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक है सबको नियंत्रण में रखता है। देखिए आरबीआई क्या है, एक इंस्टीट्यूट का नाम है। जब किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया होता है तो उसके साथ आर्टिकल द लगाया जाता है। देखिए इसके साथ द आर्टिकल लगाया गया है, और इंस्टीट्यूट जो होता है प्रायः सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। माइट हैव ए प्लेड, माइट हैव प्लेड यह क्या है, प्लेड आउट या प्ले आउट, प्ले आउट का मतलब होता है आज्ञा आजमाना होता है। प्ले आउट यानी यह खेला होता, इट्स हैंड अपना हाथ आजमाया होता, प्ले आउट वंस हैंड का मतलब आजमाना, आजमाया होता फॉर नाउ अभी तक विद द लेटेस्ट रेपो रेट कट, यानी अभी तक जो लेटेस्ट नवीन रेपो रेट की जो कटौती है उसको आजमाया होगा। तो यहाँ पे देखिए प्ले आउट वंस हैंड का मतलब होता है आजमाना या किसी चीज़ को निर्देश देना, आगे बढ़ाना। ग्रामर के आधार पर अगर देखें तो माइट के साथ हैव लगा है, और इसके साथ जब भी हैव आया तो उसके बाद जो वर्ब आता है वह थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। जो इट्स प्रोनाउन यहाँ प्रयोग किया गया है ये आरबीआई के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के नेम के साथ जो प्रोनाउन आता है वह इट फैमिली का प्रयोग होता है। नाउ लिखा है, विथ लिखा प्रीपोजिशन है, लेटेस्ट देखें यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द यहाँ पे यूज किया गया है। रेपो रेट कट, यहाँ पे जो कट है यह वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है बल्कि यह नाउन का कार्य कर रहा है। रेपो रेट कटौती हो रही है, क्या कटौती, क्या क्वेश्चन करने पे जो वर्ड मिलता है वह नाउन का कार्य कर जाता है। द आरबीआई हैज वंस अगेन स्टेप्ड अप टू द प्लेट एट द राइट टाइम विद द मेजर्स दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बिजनेस ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। फुल स्टॉप दिया हुआ है यहाँ पे। द आरबीआई हैज वंस अगेन स्टेप्ड अप, आरबीआई ने एक बार फिर से स्टेप्ड अप कर दिया है, आगे कदम बढ़ाया है टू द प्लेट, प्लेट की तरफ। प्लेट का मतलब मुद्रा होता है, यहाँ पे देखिए प्लेट का मतलब खाने का प्लेट नहीं है बल्कि मुद्रा से मतलब है, क्योंकि इकोनॉमी के संदर्भ में जब चलेंगे तो प्लेट का मतलब सोना चांदी भी होता है, प्लेट का मतलब जो होता है वह मुद्रा भी होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेप्ड अप, कदम बढ़ाया है टू द प्लेट, मुद्रा की तरफ, एट द राइट टाइम बिल्कुल सही समय पर बढ़ाया है, विद द मेजर्स उपाय के साथ, मेजर्स का मतलब होता है उपाय या तरीका, दैट विल रिड्यूस जो कम कर देगा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड जो पूंजी की मूल्य है उसको कम कर देगा, एंड इजी द फाइनेंशियल बर्डन और जो वित्तीय बोझ है, जो वित्तीय जो बोझ बना हुआ है उसको इजी कर देगा, आसान बना देगा ऑन बिजनेस, जो बिजनेस पे बोझ है ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, बढ़े हुए लॉकडाउन के द्वारा के कारण। तो बढ़े हुए लॉकडाउन के कारण जो बिजनेस के ऊपर वित्तीय बोझ है उसको आसान कर देगा, और जो कैपिटल की जो पूंजी है उसको ये उपाय जो होंगे कम कर देंगे, जो आरबीआई ने कदम बढ़ाया आगे सही समय पे, इसकी बात हो रही है।
देखिए आप अगर ग्रामर के आधार पे देखें तो मैंने कहा कि आरबीआई इज द सिंगुलर फॉर्म, आरबीआई एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग किया गया, स्टेप्ड लगाया गया है, वंस अगेन एक साथ यूज होता है, कभी कभी क्लोज टेस्ट में यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि जहां वंस है वंस को वहां हटाकर वहां ब्लैंक कर देगा, चार ऑप्शंस बना देगा। तो ध्यान रखें वंस अगेन एक साथ फ्रेज बनता है, एक बार पुनः, स्टेप्ड यहां पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज के साथ। आगे बढ़ेंगे, एट द राइट टाइम होता है सही समय पर, मेजर से यहाँ पर नॉन फॉर्म में है, दैट के बाद विल लगा है, जब भी दैट के जस्ट बाद वर्ब आता है तो वह दैट रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद जो वर्ब यूज होता है वह इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग प्रूव होता है। जो विल का सब्जेक्ट है वह मेजर्स है, विल रिड्यूस फ्यूचर डिफरेंट टेंस में, रिड्यूस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कम करना, कटौती करना। द कॉस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे द आर्टिकल लगा है, आगे ऑफ प्रीपोजिशन है, तो द और ऑफ के बीच में जो वर्ड मिलता है वह नाउन का कार्य करता है, वह नाउन के रूप में यूज होता है। कैपिटल भी यहाँ पे नाउन के रूप में है। इजी यहाँ पे वर्ब है आसान बनाना। देखिए एंड के बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एंड के पहले भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा होगा। जैसे यहाँ पे रिड्यूस लिखा है, देखिए रिड्यूस है वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये रिड्यूस जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी बात ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग चल रहे हैं प्रोसेस पे कि जिस प्रकार से विल के साथ रिड्यूस फर्स्ट फॉर्म है, उसी प्रकार एंड के बाद जो इजी है फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो रूल बनता है ग्रामर का कि एंड के बाद यूज होने वाला वर्ब उसी रूप में लिखा जाता है, उसी फॉर्म में लिखा जाता है जिस फॉर्म में एंड के पहले वर्ब दिया गया हो। आगे है बर्थडे नाउन फॉर्म है, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन, ड्यू टू का मतलब होता है अन अकाउंट ऑफ, के कारण के अर्थ में होता है, या ओविंग टू भी कहा जा सकता है, ओविंग टू का मतलब भी के कारण, ड्यू टू का मतलब भी के कारण, बिकॉज ऑफ का अर्थ भी क्या होता है, के कारण होता है। यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड लॉकडाउन, ये द आर्टिकल है, आगे लॉकडाउन जो है नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी देखिए द आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में होता है या फिर थर्ड फॉर्म में होता है, और आईएनजी या थर्ड फॉर्म में आकर के वह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। अगर वह थर्ड फॉर्म में है तो पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, ये एक्सटेंडेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। अगर एग्जाम में बस इतना कर दिया जाए कि द एक्सटेंड लॉकडाउन तो गलत हो जाएगा, और गलती आपको समझनी पड़ेगी, जो गलती के रूप में एक्सटेंड को हटा करके एक्सटेंडेड आपको करना पड़ेगा। विथ फ्राइडेज रेपो रेट कट ऑफ 40 बेसिस पॉइंट्स, 40 के दर पे कटौती के आधार पे देखा जाए तो जो फ्राइडे का रेपो रेट है के आधार पे 40 रेप, जो फ्राइडे का अर्थात शुक्रवार का रेपो रेट की जो कटौती है 40 के आधार के बिंदु पर, उसके साथ द आरबीआई हैज सेव्ड ऑफ, आरबीआई ने क्या किया है, सेव्ड ऑफ कर दिया है, समाप्त कर दिया है 1.15 परसेंटेज पॉइंट से, इतने प्रतिशत के पॉइंट्स को समाप्त कर दिया है फ्रॉम द रेट चार्ट, जो दर का चार्ट था उसे हटा दिया है, इन द 58 डेज, जो 58 डेज जो 58 दिन में रेट का जो चार्ट था उससे इसको हटा दिया है, सिंस द लॉकडाउन बिगेन, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन, जो रेपो रेट है उसको कम करते हुए, ब्रिंग का मतलब कम करते हुए, टू 4%, कितने प्रतिशत तक कम करते हुए, 4% तक, एंड रिवर्स रेट रेपो रेट, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको टू कितने प्रतिशत तक कम करते हुए, 3.35% तक कम करते हुए, अर्थात जो रेपो रेट है उसको 4% तक कम करते हुए, और जो रिवर्स रेट है रेपो रेट है उसको 3.35% तक कम करते हुए, लॉकडाउन जब से बढ़ा है तब से 58 दिन में जो रेट चार्ट है उससे 1.15% की जो पॉइंट है उसको आरबीआई ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, राहत दिया है, कहने का तात्पर्य यह है लॉकडाउन के दौरान। देखिए वित्त लिखा है यहाँ पे, रेपो रेट है फ्राइडे से, देखिए फ्राइडे एक डे का नाम है, डे के नाम के साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, घबराएंगे नहीं। द आरबीआई यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम है जिसके साथ हैज लगा हुआ है, सेव्ड लगा हुआ है। ये खास बात यह है, देखिए सेव्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ध्यान रखेंगे, सेव्ड ऑफ का मतलब समाप्त कर देना, हटा देना, ऑफ जो होता है वह दूरी बताने के लिए, हटाने के लिए सेंस प्रयोग होता है, कनेक्शन को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। एक खास बात जो ये जानना यह है कि जो यहाँ पे देखिए सिंस है, सिंस के बाद यहाँ पे लॉकडाउन बिगेन है ना, लॉकडाउन बिगेन के बाद बिगेन जो है ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, ध्यान रखेंगे सिंस पे एक रूल बनता है, सिंस का प्रयोग अगर जब से तब से के अर्थ में किया गया हो तो सिंस के जस्ट बाद पास्ट इंडिफरेंट टेंस यूज होता है, और सिंस के पहले जो सेंटेंस होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है।
तो देखिए सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था हैज सेव्ड, अब सिंस के बाद बिगेन, यहाँ पे पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। तो ये रूल जो ग्रामर का बहुत ही अच्छा लिखा गया है। यहाँ पे जो ब्रिंगिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान रखेंगे सीजीएल 2018 के पेपर में भी क्या है और 17 के पेपर में भी, 2019 के पेपर में भी अगर आप उठा के देखेंगे तो किसी न किसी सेट में ये पार्टिसिपल इस आधार पर पूछा जाता है। अगर यहाँ ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आखिर आप कैसे जान पाएंगे कि ब्रिंगिंग होना चाहिए, मात्र इसका एक उपाय है कि ग्रामर मजबूत करें अपना, साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, समझते रहें। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचाना जाता है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म हिंदी क्रिया के अर्थ में ते हुए लेकर आए तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो मैंने कहा ब्रिंगिंग कम करते हुए, ते हुए आ गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब देखिए जो सिंस था, सिंस के पहले कौन सा टेंस लिखा था, हैज आरबीआई हैज सेव्ड प्रेजेंट परफेक्ट, या सिंस के बाद बिगेन पास्ट इंडिफिनिटिव, या प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी यहाँ पे जो सिंस के बाद पास्ट इंडिफिनिटिव है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट है और ये ब्रिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट दर होता है और एक रेपो रेट होता है, उसको याद रखेंगे, दो रेट पाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे इकोनॉमी समझ में आ जाएगा। With this, it does appear that the central bank may have played out its rate cut card for now, as prudence would dictate that it reserves some leverage for the future if economic conditions deteriorate even further. पुरस्कार लिखा हुआ है। With this, इसके साथ अगर देखा जाए तो it does appear, ये ऐसा लगता है कि, यह ऐसा लगता है कि the central bank, जो केंद्रीय बैंक है, may have played out, इसने जो है आजमाया होगा, मे हैव का अर्थ होता है होगा, संभावना बताता है किसी भूतकाल की, तो मे हैव प्लेड आउट, यह आजमाया होगा इट्स रेट कट, अपने दर की कटौती की कार्ड को फॉर नाउ, अभी तक, एस प्रूडेंस, क्योंकि, एस का मतलब क्योंकि, जो प्रूडेंस है, जो बुद्धिमानी है, वुड डिक्टेट, वो बुद्धिमानी क्या करे की होगी, आदेश दी होगी अर्थात वह अनुमति दी होगी कि इट्स रिवर्स इट रिजर्व्स, कि यह कुछ आरक्षित कर देता है, कुछ बचा के रखता है, लेवरेज, कुछ लेवरेज को बचा के रखता है अर्थात जो कुछ शक्ति है उन शक्तियों को बचा के रखता है फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, इफ यदि इकोनॉमिक कंडीशंस डिटेरियोरेट, यदि जो इकोनॉमिक की कंडीशंस है, जो इकोनॉमिक की स्थितियां हैं वह यदि खराब हो जाती हैं, डिटेरियोरेट का अर्थ है खराब हो जाना, इवन फर्दर यदि आगे खराब हो जाती हैं तो उसके लिए वो बचा के रखता है उसकी सुरक्षा करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इट डज अपीयर लगा है, न निगेटिव है यहाँ पे, न इंट्रोगेटिव है, तो आखिर इट के साथ यह डज अपीयर लगा है, तो ध्यान रखें कि डू डज और डिड का यूज भी बिना इंट्रोगेटिव, बिना निगेटिव का किया जाता है, अफर्मेटिव में भी, और जब अफर्मेटिव की तरह डू डज डिड लगे तो वह सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब को इम्फेसिस करता है, उस पर जोर डालता है। इट डज अपीयर का मतलब इसने जरूर लगा होगा, ये जरूर लग रहा है या जरूर लगता है, अवश्य लगता है, अवश्य के सेंस में यहाँ डस का यूज किया गया है प्रेजेंट डिफरेंटेंस में, कि सेंट्रल बैंक मेहब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्लेड आउट लिखा है, इट्स जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए है, और इट जो प्रयोग किया गया वह किसके लिए है, आरबीआई के लिए प्रयोग किया गया है। नाउ एज प्रूडेंस वुड, प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी का मतलब होता है जैसे कह सकते हैं कि जीनियसनेस या ब्राइटनेस होता है, उड के साथ जब भी वर्ब आए फर्स्ट फॉर्म में डिक्टेट जो है यहाँ पे अनुमति देना या आदेश देना होता है। इट रिजर्व से लिखा है, इट मतलब आरबीआई की बात हो रही है, रिजर्व से प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में है, सम के बाद ये देखिए लेवरेज अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा गया है। सम एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके बाद नाउन को सिंगुलर या प्लूरल में लिखा जा सकता है, यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसे, यदि काउंटेबल नाउन है तो उसे प्लूरल में, यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो सम के बाद हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए फर्दर लिखा है, दो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव फॉर्म से, एक फर्दर होता है एक फार्दर होता है, एफ ए आर होता है एक, तो फार्दर जो होता है एफ ए वह दूरी बताएगा, और जो फर्दर होता है एफ यू वह आगे की सिचुएशन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे इफ एक कंजक्शन है और इसका अर्थ होता है यदि या अगर। इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस है, कंडीशंस यहाँ पे नॉन फॉर्म में है और उसको क्वालिफाई करने के लिए जो इकोनॉमिक है या एडजेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि अगर एग्जाम में होता है क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इकोनॉमिक में अगर यस लगा दिया जाए सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस डिटेरियोरेट, देखिए कंडीशंस हमारा कौन सा टेंस है, ये प्लूरल फॉर्म में है और इसके साथ डिटेरियोरेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस में लिखा गया है। इवन फर्दर आगे भी के सेंस में इवन का यूज होता है, यहाँ पे वी के सेंस में यूज किया गया है। इनफैक्ट वास्तव में, बड़े आराम से देखेंगे समझते चलेंगे, वास्तव में देर आर दोज हु बिलीव दैट,
वे लोग होते हैं जो ये विश्वास कर लेते हैं कि द लेटेस्ट कट, जो सबसे नवीन कटौती है, मे बी नो मोर देन ए सेंटिमेंट बूस्टर, मानसिकता को बढ़ावा देने से कुछ ज़्यादा या नहीं हो सकती, एज क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट इट्स नादिर, जो क्रियाकलाप की जो एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो आर्थिक स्थिति है, इज एट इट्स नादिर, ये इसके गर्त में है। नादिर का मतलब गर्त होता है, गर्त का मतलब होता है गहराई में है, अर्थात नीचे की तरफ चला गया है। जैसे नादिर होता है, नादिर का मतलब वैसे कहा जाए तो पाताल होता है या गर्त होता है, गहराई होता है, नीचे चला जाना। और इसी का जो अपोजिट होता है वह अपेक्स लिखा जाता है, अपेक्स अर्थात शीर्ष पे जाना, क्लाइमेक्स लिखा जाता है, ठीक है। एंड देयर आर नॉट मेनी इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे निवेश नहीं है, प्रोपोर्शन जो भी आ गया, पहले एंड के बाद में देखते हैं, पहले एंड के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, देयर आर दोज हु, देखिए देयर अगर सब्जेक्ट बनता है तो यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और जब यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो इसके बाद सिंगुलर या प्लूरल में से कोई भी वर्ब आ सकता है, और यह बात डिपेंड करती है बाद वाले सब्जेक्ट पे, बाद वाले सब्जेक्ट का यहाँ पे जो दोज है यह प्लूरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, ये हु के बाद अगर वर्ब है, हु के पहले देखिए यहाँ पे क्या है, दोज है, और हु के बाद जो यूज़ किया गया है या प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में बिलीव लिखा हुआ है, तो हु के जस्ट बाद जो वर्ब आता है तो वह हु के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग होता है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या दैट है, इनके बाद जो वर्ब यूज होगा वह इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो हु का एंटीसीडेंट दोज है, दोज जो कि प्लूरल फॉर्म में, और प्लूरल के लिए बिलीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में सही है। दूसरी बात, जो हु है वह ह्यूमन बीइंग के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज होता है, चूंकि दोज मैनकाइंड को बता रहा है इसलिए इसके साथ हु का यूज किया गया है। आगे दैट है कंजक्शन है की के अर्थ में, की के अर्थ में आ गया। द लेटेस्ट कट, जो सबसे नवीन कटौती, मे बी हो सकती है, होना के सेंस में, या बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मे एक मॉडल एक्चुअली वर्ब है और मॉडल एक्चुअली वर्ब के साथ बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। नो मोर देन, ज़्यादा नहीं हो सकती, मे बी नो मोर देन, ज़्यादा नहीं हो सकती। मोर कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है, क्या नहीं हो सकती, सेंटिमेंट बूस्टर, मानसिकता को प्रोत्साहित करने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। एज क्योंकि, क्योंकि के अर्थ में यह एज का यूज़ किया गया है, ये कंजक्शन है। क्योंकि के अर्थ में बिकॉज यूज होता है, सिंस यूज होता है, एज भी यूज किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा है, देखें एक्टिविटी इज द नाउन फॉर्म, और नाउन फॉर्म के पहले इकोनॉमिक आईसी लग करके यह एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में क्या कर दिया जाए, इकोनॉमिक्स कर दिया जाए, तो सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक्स लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म यूज होना चाहिए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट इट्स नादिर, यह अपने गर्त में है, एट नादिर मतलब गर्त में, एट के मे के अर्थ में यहाँ पे एट लिखा हुआ है, अपने गर्त में है, अपने गहराई में जा चुकी है। इट्स का मतलब इट्स किसके लिए है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए है। एक्टिविटी इज द सिंगुलर नाउन अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू यूज द सिंगुलर प्रोनाउन इट्स, इट्स लगा है पॉजिटिव केस में। देखिए यहाँ पे एंड के बाद अब देयर लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड देयर आर नॉट मेनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, और बहुत सारे निवेश के प्रस्ताव नहीं हुए हैं ऑन द एनविल। एनविल का मतलब निहाई होता है, निहाई जानते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या शहर से बिलोंग करते हो, तो एक लुहार होता है, वो लुहार क्या करता है, बहुत सारे लोहे का पीटने का कार्य करता है, बहुत सारे औजार बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है, निहाई बनाता है, तो उसके पास एक निहाई होती है जिसपे रख करके कोई चीज़ क्या होती है, पीटी जाती है। अर्थात ऑन द एनविल का मतलब हो गया एक तरह से खतरे में, परेशानी में कह सकते हैं, यहाँ पे एक idiom बन जाएगा, idiom बनेगा परेशानी में, खतरे में। तो लिखा है कि आर नॉट मेनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, बहुत सारे निवेश के जो प्रस्ताव नहीं है, कहाँ नहीं है, खतरे में नहीं है, दैट मे बेनिफिट, जो बेनिफिट कर सकते हैं फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट, जो कम कर के जो दर है उनको लाभान्वित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनविल एक एडियम, इसको याद रखेंगे, यहाँ पे चलेंगे, आर लगाया है देर के बाद आर क्यों लगाया गया है, क्योंकि आर जो लगाया गया है वह प्रपोजल्स के लिए लगाया गया है, प्रपोजल्स प्लूरल नाउन है, जिसके लिए वो प्लूरल का यूज किया जाएगा, ठीक है। दैट के बाद देखिए मे लगाया, तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन होगा तभी इसके बाद वब आएगा, अन्यथा दैट की के अर्थ में कंजक्शन बन जाता है। एग्जिस्टिंग बारोवर्स, जो वर्तमान में जो बारोवर्स हैं, जो क्रेता हैं, खरीदने वाले, उधार लेने वाले, मे बी द वनली बेनिफिशरीज, वे केवल लाभान्वित हो सकते हैं ऑफ द रेट कट, इस दर की कटौती का, एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस समय में
इस स्तर पे अगर देखा जाए तो इस दर की कटौती का केवल वे लाभान्वित या लाभकर्ता हो सकते हैं। दैट सेड, इसने कहा कि द आरबीआई डिजर्व्स ए पैट, जो आरबीआई है वह हकदार है। डिजर्व्स का मतलब होता है हकदार होना, किसका हकदार, एक पैट, पैट का मतलब प्रशंसा होता है, प्रशंसा की हकदार है। ऑन द बैक, देखिए पैट ऑन द बैक का मतलब प्रशंसा होता है, किसी के पीठ पे थपथपाने का मतलब क्या हो गया, पैट का मतलब तो ऐसे थपथपाना होता है, ऑन द बैक का मतलब होता है कि पीठ पर, तो पीठ पे थपथपाने का मतलब क्या होगा, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा का हकदार है फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए, किसके लिए, सुनने के लिए। टू फीडबैक, फीडबैक का मतलब जो विशेषताएँ हैं, कमियाँ और अच्छाइयाँ, ठीक है। ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स, अपने कुछ परिवर्तन को लेकर सुनने की कमियों को सुनने के लिए, जो पीठ थपथपाने के योग्य है, हकदार है। इनिशिएटेड, जो बदलाव शुरू किए गए, इनिशिएटिव मतलब जो शुरू किए गए अर्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान जो शुरुआत में शुरू किए गए, उसके या प्रशंसा के हकदार है कौन, आरबीआई। देखिए पैट ऑन द बैक का मतलब प्रशंसा करना, आरबीआई डिजर्व्स ये इंडिफरेंस में है। लिसन टू, देखिए फॉर एक प्रीपोजिशन ध्यान रखेंगे, टू को अगर छोड़ दिया जाए तो टू के बाद जितने भी प्रीपोजिशन आए, टू के अलावा जितने भी प्रीपोजिशन आए उनके बाद जो वर्ब यूज होता है वह जीरेंड में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर के बाद लिसन वर्ब को जीरेंड में लिखा गया। दूसरी बात, लिसन टू होता है, बिलोंग टू होता है, अदर टू होता है। लिसन के बाद प्रीपोजिशन जो आता है वह टू का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो टू है लिसन के साथ लगा रहेगा, किसी बात को सुनना अर्थात फीडबैक को सुनना। देखिए यहाँ पर जो मूव्स है इट्स के साथ मूव्स है, या मूव्स यहाँ पर क्या है, नाउन फॉर्म है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव केस के बाद वर्ब नहीं होता है, वह नाउन आता है। अब ये नाउन है, इसके बाद आप कहेंगे सर इनिशिएटेड ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस नहीं है, ये बल्कि पास्ट पार्टिसिपल है, इनिशिएटेड शुरू किया हुआ। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, द लॉकडाउन क्या है, नाउन है, लॉकडाउन यहाँ पे एक डिफिनिट नाउन है जिसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन की चर्चा बहुत बार हो चुकी और होती रही है, ये होता चला जा रहा है। दस का मतलब इस तरह से, अगर इस तरह से देखा जाए तो द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मोरेटोरियम, तो जो एक्सटेंशन का मतलब जो बढ़ावा है, जो विस्तार है, पेमेंट मोरेटोरियम का प्रतिबंध होता है, मोरेटोरियम का मतलब प्रतिबंध होता है या रोक होता है। पुनः पेमेंट देने के जो प्रतिबंध का जो विस्तार है ऑन लोन्स के ऊपर इज ए वेलकम मेजर, ये एक स्वागत भरा उपाय है, अर्थात ये वेलकम मेजर एक स्वागत भरा उपाय है, अर्थात जो पुनः पेमेंट देने का जो प्रतिबंध है उसको जो बढ़ा दिया गया प्रतिबंध को लोन के ऊपर जो पेमेंट देने का प्रतिबंध है उसको बढ़ाने का जो ये सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका एक स्वागत है। यहाँ पे देखिए जो एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए अगर इज लगा है तो इज किसके लिए लगाया गया, सोचिए एक बार, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लोन्स को देखकर प्लूरल फॉर्म में आगे इज का आर करने लगते हैं, तो प्यारे दोस्त ध्यान देंगे कि वह सब्जेक्ट उसका जो है द एक्सटेंशन है। पहला सब्जेक्ट देखिए एक्सटेंशन है, जो नाउन फॉर्म में सब्जेक्ट है, और आगे ऑफ प्रीपोजिशन है, आगे फिर नाउन रीपेमेंट मोरेटोरियम लिखा है, दो मिलकर कंपाउंड नाउन है। तो एक रूल बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के कंस्ट्रक्शन में जो वर्ब यूज होता है वह फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो फर्स्ट नाउन क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, सिंगुलर फॉर्म में इज लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इलाज प्रोपोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, प्रोपोर्शन मीन्स होता है हिस्सा, आप कमर्शियल बारोवर्स, जो वाणिज्यिक जो क्रेता है उनका एक जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा उनका तबका है, हैव अवेल्ड, वह अवसर का लाभ उठाया है, वह लाभ उठाया है, अवेल्ड का मतलब लाभ उठाना, देमसेल्व्स ऑफ द मोरेटोरियम, इस प्रतिबंध, मोरेटोरियम अर्थात प्रतिबंध का लाभ उठाया है। बट लेकिन रिटेल बारोवर्स, जो खुरदरे बारोवर्स हैं, अर्थात जो रिटेल बारोवर्स हैं, क्रेता हैं, हैव नॉट टेकन टू, उन्होंने नहीं लिया है। टेक टू का मतलब होता है, एक फ्रेज बनता है, नोट कर लेंगे, सहारा लेना, सहारा लेना, उन्होंने सहारा नहीं लिया है इट इसका, इन ए बिग वे, बड़े तरीके से, अर्थात बड़े तरीके से जो रिटेल बारोवर्स है उन्होंने सहारा नहीं लिया है। ग्रामेटिकली देखिए यहाँ पे एक खास बात है जो आपको जानना है, ये जो हैव लगा हुआ है, हैव किसके लिए लगा हुआ है, ये बारोवर्स के लिए लगा हुआ है। आप कहेंगे सर ये प्रोपोर्शन तो पहले आ गया, जैसे अभी अभी सर आपने बताया कि प्रोपोर्शन एक नाउन है, आप एक प्रीपोजिशन है, बाद में दूसरा नाउन आ गया, तो वर्ब तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ के बाद जो होगा, अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल में आएगा, और ए लार्ज प्रोपोर्शन के बाद अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो
तो वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो देखिए लास्ट प्रोपोर्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि लास्ट प्रोपोर्शन आपके बाद जैसा नाउन होगा अकॉर्डिंग टू दैट नाउन वर्ब भी यूज किया जाएगा, याद रखेंगे तो नोट कर लेंगे। लास्ट प्रोपोर्शन के बाद यदि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। दूसरी बात जो ग्रामर से बिलोंग करती है वह यहाँ खास बात है कि अवेल्ड यहाँ लगा है, और जब भी अवेल आता है उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ध्यान रखेंगे क्या आता है, ऑफ, अवेल ऑफ होता है, फंड ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ होता है, फियरफुल ऑफ होता है, अवेल ऑफ होता है, इन सभी के बाद ऑफ लगता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है। दूसरी बात कि अवेल जब आता है वर्ब के रूप में तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, जैसे यहाँ पे देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आता है, तो इसका सब्जेक्ट हमने बताया कि प्रोपोर्शन नहीं है, बल्कि प्रोपोर्शन के बाद आने वाला ये प्लूरल नाउन है जो बोरोवर्स है, ये वास्तविक सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे अवेल का प्रयोग किया, देमसेल्व्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात अवेल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन और अवेल के बाद देमसेल्व्स या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ सकता है, बट एक प्रीपोजिशन बट एक कंजक्शन है जो पहले की सिचुएशन को विपरीत बताता है, उसके विपरीत कुछ बोलता है। हैव नॉट टेकन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेक टू का मतलब सहारा लेना होता है, नोट कर लेंगे इसका सहारा नहीं लिए हैं, इन ए बिग वे, एक बड़े तरीके से, बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर जानते हैं, बहुत ही अच्छा जरिया है आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए, अगर SSC बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर के हर तरकीब को आपने सीख लिया, हर वर्ड को आपने समझ लिया, हर ग्रामर के रूल को समझ लिया, तो प्यारे दोस्त ये मान के चलें कि आपका जो ग्रामर का 90% चीज़ है वह समाप्त हो जाती है। थोड़ा बहुत वकैब के लिए आपको अलग से idiom phrase और one word के लिए ध्यान देते रहना पड़ता है। एट फिर भी गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, हमने कहा आगे बढ़ते हुए, ते हुए के अर्थ में ये गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, INC फॉर्म। देर मे बी मोर ऑप्टिंग फॉर, बहुत ज़्यादा चुनाव हो सकता है, ऑप्ट फॉर का मतलब चुनाव होना, ऑप्ट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, नोट कर लें, ऑप्ट फॉर का मतलब चुनना, और यहाँ पे INC फॉर्म में नाउन है, ज़्यादा चुनाव हो सकता है, इट इसके लिए, गिवेन दैट इसके मद्देनजर की, देखिए गिवेन यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन का कार्य करता है, इसके मद्देनजर की, द एक्सटेंडेड लॉकडाउन हैज लिफ्ट मेनी ए बिजनेस, जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है, जो बढ़ा हुआ लॉकडाउन है, वह कई व्यवसाय को रख दिया है या डाल दिया है, कहाँ, इन असेंबल्स, कहाँ रख दिया है, इन असेंबल्स, सेंबल्स में रख दिया है, अर्थात खंडहर होता है, सेंबल्स का मतलब टूटे फूटे जगह, खराब स्थिति में डाल दिया है। एंड सैलरीज हैव आइदर नॉट बीन पेड, और जो सैलरी है या तो उन्हें पेड नहीं किया जा रहा है, या किया गया है, नहीं किया गया है, और आर बीइंग डिस्पर्स्ड, या उन्हें क्या किया जा रहा है, चुकाया जा रहा है, उसकी कीमत चुकाई जा रही है विथ डिलेस, देर से, अर्थात सैलरी या तो रोक दी गई है या उसको देरी से चुकाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, देर में भी हो सकता है, मोर ऑप्टिंग फॉर, ऑप्ट फॉर एक साथ होता है, नोट कर लेंगे, चुनना होता है, इट इसका, गिवेन ए पास्ट पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन एक तरह से, ठीक है। एक्सटेंडेड लॉकडाउन, यहाँ पे लॉकडाउन क्या है, नाउन, इसके पहले द आर्टिकल लगा, द और नाउन के बीच में जो वर्ड है वह पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के रूप में लॉकडाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेफ्ट मतलब डाल दिया है, छोड़ दिया है, किसको, मेनी ए बिजनेस, देखिए जब भी मेनी ए आ जाए या मेनी एन आए तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए बिजनेस को सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। इन ए सैम्बल्स, तो देखिए सैम्बल्स, लीव इन ए सैम्बल्स का मतलब होता है कि परेशानी में डाल देना या परेशानी में रख देना, और सैम्बल्स हमेशा अपने साथ एस लेके आता है, जैसे इनिंग्स में एस हमेशा लगाते हैं वैसे सैम्बल्स में भी एस लगाते हैं, और सीरीज ऐसे होता है, सीरीज में भी हमेशा एस लगा रहता है, तो ये सिंगुलर में हो जाते हैं, ये ए के साथ आर्टिकल ये सिंगुलर लगा है, तो इसका ये अर्थ कह रहा है कि सिंगुलर फॉर्म में है। खंडहर होता है, जैसे खंडहर आप समझते होंगे, जैसे अगर गांव से या कहीं से बिलोंग करते हैं, घर मकान गिर जाए तो उसके ईंट पिलर दीवारें सब कुछ इधर उधर बिखर जाए और उसमें रहने योग्य न हो तो उसे सैम्बल्स कहा जाता है, अर्थात जो इकोनॉमी है हमारे देश की लॉकडाउन के कारण वो बिखर चुकी है, और जिसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से क्या परिणाम हो रहा है कि जो सैलरीज हैव आइदर नॉट बीन पेड, या तो उन्हें दिया नहीं जा रहा है, या दिया भी जा रहा है ना तो देर से दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो सैलरीज हैव आइदर नॉट बीन, हैव के साथ ये बीन लगा के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाया गया, पे का थर्ड फॉर्म पेड, आइदर का यूज किया गया, अगर आइदर आएगा तो और का भी यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए और के साथ ओ आर आर लगा है, फिर यहाँ आइदर लगा, आइदर और, ठीक है। बींग डिस्पर्स्ड, या तो उन्हें क्या किया जा रहा है, देखिए जिस प्रकार से हैव बीन लिखा है, ओके, हैव बीन लिखा है,
वैसे ही यहाँ पे आर बीइंग लिखा है क्योंकि हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव में बीन लगेगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव आर के साथ बीइंग लगेगा और डिस्पोज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल कर सकते हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म में पैसिव फॉर्म में यूज़ किया गया विद डिलेज। डिलेज के यहाँ नाउन है देरी, देर से कोई कार्य करना, उसकी बात हो रही है। थैंक यू।